Trading doesn't just reveal your character. It also builds it if you stay in the game long enough. By Yuan Baiji. दोस्तों मैं आज फिर आपके सामने हूँ एक नया एजुकेशनल वीडियो लेकर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने समझा था नेचर ऑफ द मार्केट। ये एक तरह से उस वीडियो का पार्ट टू समझ लीजिए। टॉपिक का नाम डिफरेंट है बट बेसिक्स वही है, थीम वही है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस तरह की वीडियो कम देखते हैं क्योंकि लोगों को चाहिए होती है प्रेडिक्शन, लोगों को चाहिए होती है कि मार्केट कल क्या करेगी, लोगों को चाहिए होता है कि फास्ट पैसा कैसे बनेगा, पैसा डबल कैसे होगा। बट उन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत जरूरी होती है नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 80% माइंडसेट काम करता है, 20% स्किल्स काम करती हैं। और ये मैं नहीं, बड़े से बड़ा स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट भी आपको सेम बात ही कहेगा। दोस्तों आपको स्किल तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं आप। तो आज हम समझते हैं होली लॉज ऑफ द मार्केट कि मार्केट के क्या कानून है जिसे हम सब ट्रेडर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो सजा भी मिलेगी और मार्केट में सजा एक ही होती है, लॉस। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। तो चलिए दोस्तों सीधा ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। नोबडी इन द मार्केट कैन बी सक्सेसफुल अनलेस फॉलोज द लॉ ऑफ द मार्केट। मार्केट के कानून ऐसा नहीं है कहीं पे लिखे हुए हैं कि मार्केट के कानून आपको एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं। मार्केट ऐसे कम्युनिकेट करता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं कि आप अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सजा मिलती है, सजा है लॉस। आप फॉलो करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड है प्रॉफिट। हम सब क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट में? प्रॉफिट, रिवॉर्ड के लिए। और रिवॉर्ड पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉलो करने पड़ेंगे लॉ ऑफ द मार्केट, मार्केट के कानून हमें फॉलो करने पड़ेंगे, मार्केट की कमेंडमेंट्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ द मार्केट। सो हमारा पहला कानून क्या है, पहला लॉ क्या है? नेवर टेक बिग लॉस। दोस्तों ये रोज होता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स के साथ होता है, जिसे हम कहते हैं बिग लॉस। बिग लॉस सबसे बड़ा अपराध है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जहां आपने बिग लॉस लिया उस बिग लॉस के बाद आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस लॉस को रिकवर करने में बहुत समय लगता है, बड़ा लॉस लेने में एक दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसको रिकवर करने में कई महीनों और कई बार कई सालों लग जाते हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है उस लॉस से रिकवर करना, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जो आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय होती है उस लॉस की वजह से। दोस्तों मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने अपना अकाउंट फेब से लेकर दिसंबर तक टैली किया था, तो मैंने अपना कैपिटल कहीं ना कहीं डबल कर लिया था उस टाइम के अंदर, और मुझे बहुत खुशी थी कि यार मैंने इतना अच्छा कैपिटल कर लिया, और शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था उस समय में। वो दिसंबर के कुछ 15-20 दिसंबर के आसपास, मीन्स लास्ट वीक के आसपास, मुझे इतने बड़े लॉसेस हुए लगातार 2-3 दिन कि मेरा वो डबल तो ख़त्म हो गया प्रॉफिट सारा, बल्कि मैंने अपना आधा कैपिटल ख़त्म कर दिया। और उस लॉस से रिकवर करने में तो मुझे समय लगा ही, लेकिन उस जो मेरी साइकोलॉजी पर डेंट पड़ा, जो मेरे कॉन्फिडेंस पर डेंट पड़ा, जो मेरी थिंकिंग पे, जो मेरे कन्विक्शन पर डेंट पड़ा उस लॉस के बाद, उसको रिकवर करने में मुझे कई महीने लग गए, करीब 4-5 महीने लग गए। 4-5 महीने तक मैं डर डर के ट्रेड करने लगा, सोच के ट्रेड करने लगा। अच्छी ट्रेड में भी छोटे से प्रॉफिट में भाग जाता था। समझ लीजिए कि साइकोलॉजी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं टिक पाया शायद उस समय मैंने एक बार को सोच लिया था कि मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग, मैं स्टॉक मार्केट ही छोड़ दूंगा, वो समय ऐसा था। बट किसी तरह से पता नहीं कैसे मैं टिक गया, लॉसेस को रिकवर किया, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया, फिर दोबारा से शुरू से सीखना शुरू किया, शुरू से प्लानिंग शुरू करी, सब कुछ शुरू से शुरू किया। और मैं समझ लीजिए कि मैं 1-1.5 साल पीछे चला गया उन 3-4 दिनों के लॉसेस की वजह से, उस एक बड़े लॉस की वजह से मैं बहुत पीछे चला गया। सो दोस्तों ये बिग लॉस बड़ा मुश्किल होते हैं, मैं कर पाया, सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़े लॉसेस से बचना है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 सिनेरियो होने चाहिए, या आपको अपने बोर्ड पे लिखना है, आपको 3 चीज़ें एक्सेप्टेबल है,
स्मॉल प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड। दूसरी चीज बिग प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड। तीसरी चीज आपका स्मॉल लॉस हुआ है, अगेन वेरी गुड, कोई इशू नहीं है, होंगे, होने भी चाहिए, स्मॉल लॉस होंगे, स्मॉल स्मॉल लॉस होंगे, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगर स्मॉल स्मॉल लॉस लगातार हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड जल्दी आने वाली है और आपको बड़ा प्रॉफिट देखी जाएगी। बट एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, बिग लॉस। बिग लॉस सबसे बड़ा अपराध है स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसकी सजा आपको फाइनेंशियली, मेंटली और हर तरह से मिलती हैं। और दोस्तों बहुत परेशान हो जाते हैं, अगर आपने कभी बिग लॉस किया है तो आप अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे, और नहीं किया है तो दोस्तों मत करना, बचना। अपने लॉस को जब तक कंट्रोल में रखोगे तब तक कॉन्फिडेंट कन्विक्शन के साथ स्टॉक मार्केट में रहोगे। जिस दिन बड़ा लॉस हो गया तो शायद आप लोग ना झेल पाओ और दोबारा ट्रेड भी ना कर पाओ, और दोबारा करोगे तो वो कॉन्फिडेंस वो कन्विक्शन नहीं रह जाएगा आपके ट्रेड में, और वो कैपिटल भी नहीं रहेगा आपके पास। जब वाइप आउट होगा कैपिटल, 70-80% 100% कैपिटल ही खत्म हो गया, तो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस भी क्या ही कर लेगा। बिग लॉसेस के रीजंस होते हैं, बिग लॉसेस के रीजंस होता है फियर एंड ग्रीड। फियर जो हमें लॉस हो रहा होता है और हम रुके रहते हैं कि नहीं यार ये मुझे, मैं तो 10,000 का लॉस लेना था तो 15 का हो गया, नहीं 10 का हो जाएगा तो घूम जाएगा, 10 पे निकल जाऊंगा, 20 का हो गया या 15 पे निकल जाऊंगा, 25 का हो गया, 30 का हो गया, हम रुके रहते हैं, लॉस बढ़ता जाता है और हम निकलते नहीं है। दैट इज द रीजन ऑफ द बिग लॉस। दूसरा रीजन होता है ग्रीड। हमें बाजार प्रॉफिट दे रहा होता है लेकिन हम प्रॉफिट लेते नहीं है, हम बैठे रहते हैं कि और बढ़ेगा, और प्रॉफिट, आज ही करोड़पति बनूंगा, कल ही लंबोर्गिनी खरीदूंगा, आज ही बड़ा बंगलो खरीदूंगा, ये सब के लिए हम रुके रहते हैं, वेट करते रहते हैं और वो ट्रेड हमारी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमसे लॉस नहीं लिया जाता क्योंकि हमने एक प्रॉफिट देख रखा होता है, फिर हमें लगता है चलो ठीक है इतना ही प्रॉफिट वापस आ जाए तो निकल जाऊंगा, और वो नहीं होता है और हम फिर बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो इन फियर और ग्रीड से बचकर अपने लॉसेस को स्मॉल रखें। That is the first law of the market, most important law of the market. अगर आपने सिर्फ इसी law को अच्छे से follow कर लिया, big losses नहीं लिए अपनी trading journey में, तो दोस्तों आप बन जाएंगे trader, ये मैं guarantee देता हूँ आपको, सब कुछ सीख जाएंगे आप। लेकिन जहाँ बड़ा loss लिया सब खत्म, आपको वो 6 महीने साल 2 साल पीछे धकेल देगा या आपको स्टॉक मार्केट से आउट ही कर देगा। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया। हर कोई अपने प्रॉफिट की जर्नी तो बताता है बड़े बड़े, लेकिन लॉसेस कोई नहीं बताता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रॉफिट, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं आप लोगों को बताने में, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ गलत एक्सपेक्टेशन बनेगी। लॉसेस से आपको सीखने को मिलेगा, वो स्टोरीज एक्चुअली मैं आपको बताएंगी कि आपको कहाँ पे केयरफुल होना है। सेकेंड थिंग, सेकेंड लॉ ऑफ द मार्केट, नेवर ट्रेड विदाउट प्रिपरेशन। देखिए आप किसी भी तरह के ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रिपरेशन मत कीजिए। आपको एक दिन पहले या सुबह 1-1.5 घंटा पहले अपने चार्ट पे, अपने जिसको भी आप स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी आप डेटा देख के ट्रेड करते हैं, टेक्निकल देख के ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर देख के ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, उसके लिए अपना होमवर्क आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। बिना प्रिपरेशन के ट्रेड करना अलाउड ही नहीं है स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है कहीं पे वो लगा पड़ा है पोस्टर के अलाउड नहीं है, बट आपको समझना चाहिए कि आप लो ब्रेक कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, और आप जिस दिन उसके लिए पेनलाइज होंगे उस दिन आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगेन वही फर्स्ट वाले लॉ पे आ जाएंगे, बिग लॉस कर बैठेंगे अगर आप प्रिपेयर नहीं है। आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू शुड डू, प्रिपरेशन तो बता दी मैंने, लेकिन प्रिपरेशन करनी क्या है, मैं आपको वो भी यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता देता हूँ उसका। आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे चार्ट पर यह समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। दूसरा, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको सेक्टर्स देखने पड़ते हैं कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वीक चल रहा है, वो सेक्टर की दूसरी कंपनियां कैसे कर रही हैं, आपको वो देखना पड़ता है अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो। और उससे ज़्यादा देखिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। आपने ट्रेंड को समझा, अपने चार्ट को समझा, अपने स्टॉक को समझा, अपनी इंडस्ट्री को समझा, और उसके हिसाब से आपने प्लान किया कि आप कहाँ एंट्री करेंगे, कितना लॉस ले सकते हैं, कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, यही प्रिपरेशन होती है। बहुत ज़्यादा
एक समय के बाद बहुत ज्यादा नहीं होती है, शुरू में आपको बहुत समय बिताना पड़ता है, बट एक समय के बाद आपको बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, 2-3 घंटे इनफ होते हैं। और दोस्तों कौन सी ऐसी जॉब है जहाँ 2-3 घंटे मेहनत करके आपको महीनों की सैलरी एक दिन में मिल जाती है? कोई ऐसी जॉब नहीं है, यही है स्टॉक मार्केट। बट अगर आप विदाउट प्रिपरेशन ट्रेड ले रहे हैं ऑन द बेस ऑफ फीलिंग्स, देन यू आर गैम्बलिंग, यू आर नॉट ट्रेडिंग गाइस, यू आर गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग का नतीजा सब जानते हैं कि ले दे के नुकसान ही होना है। तो दोस्तों फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रेटेजी, फीलिंग के बेसिस पे ट्रेड ना लीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, रियल एनिमी इज विद इन यू। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात रिलेट करती है मेरे पहले पॉइंट से, बिग लॉस से, और मेरी पुरानी वीडियो जहां मैंने आपको समझाया था कि मार्केट नेवर कॉसेस बिग लॉस, कि मार्केट कभी बड़ा लॉस नहीं करती है। एक्चुअली में बाजार में हमारा कोई एनिमी नहीं है। देखिए कोई हमारे सामने नहीं खड़ा होता है, हम किसी को जानते नहीं होते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट में नहीं खड़ा होता है बाजार में, हम तो सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो हमारा एनिमी भी हम हैं और हमारे दोस्त भी हम ही हैं, और हम ही अपने एनिमी बनते हैं जब हम अपने लॉसेस को नहीं काटते हैं, जब हम बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं। मार्केट कभी भी हमारे अकाउंट में घुस के हमारा पैसा ही निकलती, मार्केट कभी भी ऑटोमेटिकली हमें ट्रेड में नहीं घुसाती और ट्रेड में से बाहर नहीं निकलती, हम ही हैं जो बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे, ट्रेड में एंट्री करते हैं, हम ही हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं, हम ही जो है जो लॉस बुक करते हैं। सो अपने एनिमी स्टॉक मार्केट में हम खुद होते हैं, हमारे इमोशंस हमारे एनिमी होते हैं। देखिए जब हम लॉसेस करते हैं ना, लॉसेस करने के बाद हमारा माइंड कुछ अलग तरीके से काम करता है, हमारा माइंड एग्रेसिव हो जाता है, हमारा माइंड इगोस्टिक हो जाता है, हमारा माइंड कहता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, और हम फाइट मोड में आ जाते हैं, हम मार्केट से फाइट करना शुरू करते हैं और मार्केट के अगेंस्ट लगातार ट्रेड करते रहते हैं और लॉसेस लेते चले जाते हैं, और यही मिस्टेक्स हमें हमारा एनिमी बना देती है, हमें हमारे ही अगेंस्ट खड़ा कर देती है। हमारा दिमाग ये नहीं देख रहा है कि वो किससे फाइट कर रहा है, उससे फाइट करके क्या मिलेगा, मार्केट को हरा के आप क्या पालोगे? लेकिन अगर आप मार्केट से हारे तो आपका तो गया सब कुछ, आपकी मेहनत की कमाई, पैसा आपने कैसे कैसे कमाया होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा, पता नहीं किस काम का पैसा होगा जो आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपके बच्चों की फीस है स्कूल की, या आपके घर के राशन के पैसे हैं, या फिर आपकी सेविंग्स हैं। ठीक है एक्स्ट्रा मनी भी है, लेकिन सेविंग्स भी आसमान से तो टपकी नहीं है। ठीक है पैसा किसी के पास भी अनलिमिटेड तो होता नहीं है, पैसा तो लिमिटेड ही होता है, अंबानी और अडानी के पास भी पैसा लिमिटेड है, वो भी और पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो पैसा अनलिमिटेड तो किसी के पास है नहीं, पैसा जो भी है आपके पास लिमिटेड है। मार्केट से लड़ाई ना करें, अगर ऐसा कभी हो रहा है तो सिस्टम बंद कर दें, जो लॉस हो गया उसको एक्सेप्ट कर लें, सिस्टम बंद कर दें, अपने आप को शांत करें, चाहे 2-3 घंटे में शांत हो जाते हैं तब ट्रेडिंग करने आए, या तो मैं एडवाइस करूं तो नेक्स्ट डे आए, क्योंकि एक बार आप स्लीप ले लेंगे नाइट की, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फ्रेश उठेंगे, दिमाग अच्छा काम करेगा, फ्रेश काम करेगा, पूरे दिन बाजार से लड़ते रहेंगे, और गलती से अगर बड़ा लॉस कर लिया तो फिर अगेन जो मैंने पहले समझाया हो गया काम, फिर आप 6 महीने साल पीछे पहुंच गए और फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टॉक मार्केट छोड़नी पड़ेगी आपको। दोस्तों नेक्स्ट लॉ ऑफ द मार्केट है ऑलवेज कीप लर्निंग। देखिए जो आप लोगों ने पहले सीखा है, जो आज सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके बेकार हो जाएगा और आगे जाके आपके काम नहीं आएगा, आप उनसे भी पैसा बना सकते हैं, उनसे भी काफी समय तक वो आपका साथ देगा। बट जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि मार्केट ऑलवेज चेंजिंग, मार्केट कीप चेंजिंग, मार्केट सिनेरियो, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट पे प्राइसिंग वगैरह सब चेंज होते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, तो एक समय में विक्स बहुत हाई रहता था, ऑप्शंस के प्राइस बहुत हाई रहते थे, तो ऑप्शन सेलिंग बहुत ईजी माना जाता था और एक एक बैठे बैठे कमाई का सोर्स माना जाता था। बट आज विक्स बहुत लो है, ऑप्शंस बहुत चीप हो चुके हैं, तो आज ऑप्शन सेलिंग भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, विक्स वगैरह को समझते हैं और रिलेट कर पा रहे होंगे, जो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ इतना समझिए कि मार्केट में सिनेरियोस बदलते रहते हैं। सो यू ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। मैं यह नहीं कह रहा कि न्यूज देखते रहो या फिर यहाँ वहाँ जाकर इधर उधर की टिप लेते रहो। कीप लर्निंग का मतलब है कि मार्केट में नया क्या हो रहा है, अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे यूट्यूबर्स, अच्छे ब्लॉगर्स, अच्छे न्यूज़ चैनल पर भी, नॉट ट्रेडिंग आवर्स, ट्रेडिंग आवर्स के अलावा
न्यूज देख के समझिए वहां पे क्या हो रहा है। ट्रेडिंग के टाइम पे मत देखिएगा, वो दिमाग खराब कर देते हैं आप लोगों का। इधर ये खरीद लो वो बेच दो, ये खरीद लो वो बेच दो, यही करते रहते हैं और बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और उनको भी नहीं पता क्या होने वाला है। अगर वो आपको कुछ खरीदने को बोलेंगे वो चल गया तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, आपने पैसा कमा लिया, और अपने अपनी पीठ खुद तपतपाएंगे वो। और अगर वो नहीं चला स्टॉक तो कहेंगे कि अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप आ जाता है वहां पे कि लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना के देगा, अभी कुछ टाइम के लिए ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे उनका अपना बिजनेस है, अपना काम है, अपने काम करने के तरीके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं। बट हम ट्रेडर्स के लिए वो गलत हो जाता है क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स अपने माइंड को मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं कि इसकी भी सुने उसकी भी सुने, चार्ट भी देखें, प्राइस भी देखें, फियर और ग्रीड से भी लड़ें, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर है कि आप एक चीज़ पर फोकस कीजिए, आप किस में ट्रेड करना है, अपने टेक्निकल पे विश्वास कीजिए, अपनी एजुकेशन पे विश्वास कीजिए, अपनी स्टडी पे विश्वास कीजिए और उसी पे फोकस करके आगे ट्रेड करिए, सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। दूसरा, लर्निंग से मेरा मतलब सिर्फ मार्केट को लर्न करना नहीं है, लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एज वेल। आपको हमेशा समझते रहना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा है, मुझे कहाँ पे अच्छी ट्रेड मिलती है, किस तरह की स्ट्रेटजी मेरे लिए ज़्यादा काम करती है, किस तरह की स्ट्रेटजी मेरे लिए कम काम करती है, किस तरह के स्टॉक्स को मैं ज़्यादा समझता हूँ, कौन से इंडेक्स को मैं ज़्यादा समझता हूँ, क्या मैं कैश में अच्छी ट्रेडिंग करता हूँ या फ्यूचर्स में अच्छी करता हूँ या ऑप्शंस में अच्छी करता हूँ। सब ऑप्शंस करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ही ऑप्शन करें, सब कैश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कैश में ट्रेडिंग करें। आपको अपना माइंडसेट, अपना स्टाइल, अपना तरीका समझना है और उसको हमेशा समझते रहना है। कीप लर्निंग अबाउट द मार्केट एंड कीप लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एज वेल। बस बड़े लॉस से बचो, हम्बल रहो, कीप लर्निंग, यही मार्केट के लॉज है। बहुत सिंपल लॉज हैं, आपको सुनने में बड़े आसान भी लगे होंगे, आपको लग भी रहा हो कि आप ये सब तो कर ही लेंगे, बट दोस्तों इन चीज़ों को बार 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 आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार मार्केट में याद करना पड़ेगा। जब आप रियल में ट्रेड करेंगे, अगर अभी ट्रेड नहीं करते तो बार बार आके इन वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीज़ों में स्ट्रांग होंगे। और जिस दिन इन नेचर ऑफ मार्केट और लॉज ऑफ मार्केट, मेरी पिछली वीडियो नेचर ऑफ मार्केट और आज की लॉ ऑफ मार्केट, इन चीज़ों में आपने स्ट्रेंथ पा ली, इन चीजों पे आपने पकड़ पा ली, मतलब आपकी 80% माइंडसेट तो स्ट्रांग हो गया। अब स्किल तो मार्केट खुद सिखा देती है, देखिए ऊपर नीचे बाजार होता रहता है। बेसिक्स मैं आपको सब सिखाने ही वाला हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होती है, वो सब भी मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन माइंडसेट आपको खुद डेवलप करना है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि माइंडसेट क्या होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या मार्केट में करने की जरूरत है, बट करना आपको खुद है। वो होगा एक्सपीरियंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, लर्निंग के साथ, हार्डवर्क के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगेन अगर आपने आज की वीडियो पूरी देखी है तो अगेन आई कंग्रेचुलेट यू कि आप बहुत सीरियस है लर्निंग के लिए और ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे चलकर जब आप रियल में ट्रेड करेंगे, और अगर ट्रेड कर रहे हैं तब भी ये टीचिंग्स आपके साथ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो से वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।